चैप्टर नंबर 12 इकोसिस्टम, इकोसिस्टम इंट्रोडक्टरी पोर्शन में ये देखना है इकोसिस्टम एज क्या है फंक्शनल यूनिट ऑफ द नेचर, नेचर का स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट जो होता है वो होता है इकोसिस्टम। इकोसिस्टम वेयर द लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट एमंग देमसेल्व आल्सो इंटरैक्ट विद द सराउंडिंग फिजिकल एनवायरनमेंट है, यानी कि इकोसिस्टम बनता कैसे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसके जो सराउंडिंग में फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके इंटरेक्शन से बनता है, या ऐसा बोल लो लिविंग ऑर्गेनिज्म को मीन्स बायोटिक कंपोनेंट है और सराउंडिंग जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन से बनता है क्या इकोसिस्टम, बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट के साथ इंटरेक्शन इटसेल्फ करता है और एबायोटिक एबायोटिक के साथ भी इटसेल्फ करता है और एक दूसरे से आपस में भी इंटरेक्शन करता है, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद से इंटरेक्शन करके इकोसिस्टम बनाता है और जो फिजिकल एनवायरनमेंट है ये भी खुद से ही इंटरेक्ट करके इकोसिस्टम बनाता है और लिविंग जो होता है फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाएगा इकोसिस्टम बनाएगा। तो ये क्राइटेरिया याद होनी चाहिए इकोसिस्टम की। अब इकोसिस्टम की जो साइज होती है ये ग्रेटली वेरी करती है, स्मॉल पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, लार्जेस्ट फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम है और समुद्र भी एक इकोसिस्टम है। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द इंटायर बायोस्फीयर, कई सारे इकोलॉजिस्ट जो है इंटायर बायोस्फीयर को एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम की तरह कंसिस्ट करते हैं, मतलब ग्लोबल इकोसिस्टम मानते हैं, क्योंकि ग्लोबल जो अर्थ है हमारा ये एक ग्लोबल टोटल ग्लोबल इकोसिस्टम, अगर हम इसको स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वन टाइम अगर इसका ग्लोबल इकोसिस्टम की स्टडी करना चाहेंगे तो ये बहुत बिग हो जाएगा और कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम सुविधा के लिए कन्वीनियंट के लिए सुविधा के लिए साइंटिस्टों ने क्या किया इसको डिवाइड कर दिया टू बेसिक कैटेगरी में, एक का नाम दे दिया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और दूसरे का नाम दे दिया एक्वाटिक इकोसिस्टम। वैसे अगर इकोसिस्टम देखें तो दो टाइप का, एक नेचुरल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम या एशियड अकॉर्डिंग ग्लोबल इकोसिस्टम की दो कैटेगरी है, एक है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दूसरा है एक्वाटिक इकोसिस्टम। ओके अभी तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के एग्जांपल है, मगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम देखें तो कौन कौन से इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की कैटेगरी में आएंगे, तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, ये कुछ एग्जांपल है और बहुत सारे एग्जांपल है जो कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की कैटेगरी में आएंगे, पॉन्ड्स, लेक, वेटलैंड, रिवर, इश्चुरी, ये कुछ एग्जांपल है एक्वाटिक इकोसिस्टम के, और क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम में जो है मैन मेड इकोसिस्टम के एग्जांपल हो जाएंगे। अगर हम देखें कि स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम में क्या होता है कि यहाँ पे एक इनपुट होता है, एक इनपुट इकोसिस्टम में इनपुट के फॉर्म में जो प्रोडक्टिविटी होती है इकोसिस्टम से जो प्रोडक्टिविटी मिलती है वो इनपुट इकोसिस्टम का इनपुट हो गया, और आउटपुट के फॉर्म में इकोसिस्टम से आउटपुट क्या होता है जो एनर्जी लॉस होती है जो डिग्रेडेशन है उसका आउटपुट हो गया, और एनर्जी का ट्रांसफर भी इकोसिस्टम में होता है। तो एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है फूड चेन के थ्रू, फूड चेन के थ्रू एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है एनर्जी का ट्रांसफर होता है, या फूड वेव के थ्रू या न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के थ्रू, इन इस प्रोसेस के थ्रू एनर्जी का ट्रांसफर होता है। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट के दो कंपोनेंट है, एक एबायोटिक कंपोनेंट है दूसरा बायोटिक कंपोनेंट है। जो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन से क्या बनता है इकोसिस्टम बनता है, मतलब इकोसिस्टम में इन्हीं दोनों कंपोनेंट का क्या होता है इंटरेक्शन होता है। तो यहाँ पे एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है कि इंटरेक्शन ऑफ द बायोटिक बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट क्या बनता है फिजिकल स्ट्रक्चर जो कि इस टाइप ऑफ इकोसिस्टम का करेक्टरिस्टिक होता है, मतलब इस टाइप इकोसिस्टम में बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट का इंटरेक्शन होना ही होना है। अब यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन दिया है, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल कॉल्ड द स्ट्रेटिफिकेशन। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, तो जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है डिफरेंट स्पीसीज का ऑक्युपाई होते हैं डिफरेंट लेवल पे, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, स्ट्रेटिफिकेशन। तो यहाँ पे एक स्पीसीज कंपोजिशन टर्म है, स्पीसीज कंपोजिशन इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी इकोसिस्टम का प्लांट और एनिमल स्पीसीज का आइडेंटिफिकेशन करें और उसका इन्यूमेशन मतलब उसकी गणना कर लें तो उस इकोसिस्टम का स्पीसीज कंपोजिशन हमको मिल जाएगा। स्ट्रेटिफिकेशन का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, ट्री ऑक्युपाई टॉप लेवल टॉप वर्टिकल स्टेटा पे ट्री ऑक्युपाई है और लेयर ऑफ द फॉरेस्ट देन श्रब है, श्रब सेकंड पे है, देन हर्ब एंड ग्रास जो है बॉटम लेवल पे है, तो एक स्ट्रेटिफिकेशन फॉर्म हो जाएगा। कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट, अभी ये है क्या क्या, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन, एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब यहाँ हम एक्वेटिक इकोसिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम एक क्या है, एक यहाँ एग्जांपल लेते हैं स्मॉल पॉन्ड का, तो स्मॉल पॉन्ड इज ए सैलो वाटर बॉडी। तो यहाँ पे जितने बेसिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के ऊपर मेंशन किए गए हैं मतलब बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, इस छोटे से एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड इकोसिस्टम में सबके सब क्या रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे। अब एबायोटिक कंपोनेंट इज द वाटर अपने आप में क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट क्या था, लाइट, वाटर, सॉयल, टेम्परेचर, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट है। पॉन्ड इकोसिस्टम में वाटर अपने आप में ही क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है, और इसमें जो डिजॉल्व इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है ये क्या है, ये भी एबायोटिक कंपोनेंट हो गया। और जो सॉइल एंड रिच सॉइल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, पॉन्ड के बॉटम पे जो सॉइल डिपॉजिट है वो भी एबायोटिक कंपोनेंट में ही आएगा। सोलर इनपुट एबायोटिक कंपोनेंट में आएगा, टेम्परेचर जो साइकिल ऑफ द टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन, रेट ऑफ फंक्शन ऑफ एंटायर पॉन्ड को रेगुलेट करती है, और ये सबके सब क्या है, ये सबके सब एबायोटिक कंपोनेंट में आएंगे। क्या क्या एबायोटिक कंपोनेंट में आएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, वाटर, उसके बाद सॉयल, फिर उसके बाद टेम्परेचर, सोलर इनपुट, लाइट, डे लेंथ, और ये सारे के सारे क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट हो जाएंगे। ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट मतलब कि अब यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट की बात हो रही है, फाइटोप्लैंक्टन, समेलगी एंड फ्लोटिंग सबमर्ज एंड मार्जिनल प्लांट, ये कहाँ पे फाउंड होंगे, एट द एज पे होंगे, एजेस पे होंगे, और ये क्या है, पॉन्ड इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट हैं। कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जू प्लैंक्टन द फ्री स्विमिंग एंड बॉटन ड्वेलिंग
वाटर डवेलिंग एबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द प्लांट, तो वाटर डवेलिंग फॉर्म। तो इससे क्या लगा कि पॉन्ड इकोसिस्टम में जितने कंपोनेंट है बायोटिक कंपोनेंट भी देखने को मिल रहे हैं, एबायोटिक कंपोनेंट देखने को मिल रहे हैं। सो अब यहाँ पे डीकम्पोजर की बात करते हैं, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में डीकम्पोजर फंजाई बैक्टीरिया और फ्लैचलेट स्पेशली ये कहाँ पे एबंडेंट होते हैं, पॉन्ड के बॉटम में एबंडेंट होते हैं। दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज ए होल, दट इज कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू द ऑर्गेनिक मैटर, इनऑर्गेनिक का कन्वर्जन हो रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल में विद द हेल्प ऑफ द रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाई ऑटोट्रॉफ, मतलब ऑटोट्रॉफ जो हो रहा है सनलाइट का यूज करके इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल से ऑर्गेनिक मटेरियल का फॉर्मेशन कर रहा है, इनऑर्गेनिक मटेरियल का कन्वर्जन कर रहा है ऑर्गेनिक मटेरियल में, मतलब बायोमास यानी कि फूड फॉर्मेशन कर रहा है। अब फिर जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो बना हुआ है इसका कंजम्पशन कौन करेगा, कंजम्पशन ऑफ द ऑटोट्रॉफ का कंजम्पशन कौन करेगा, हेटरोट्रॉफ करेगा। अब जब ये ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ दोनों क्या करेंगे, दोनों जब मर जाएंगे डेड कर जाएंगे इनका होगा डीकंपोजिशन और मिनरलाइजेशन, यानी कि जब ये दोनों ऑटोट्रॉफ और हेटरोट्रॉफ डेड मैटर हो जाएगा, मतलब जब मर जाएंगे तो डेड मैटर बन जाएंगे, और इस डेड मैटर का क्या होगा डीकंपोजिशन और मिनरलाइजेशन होगा, जिससे रिलीज देम बैक टू फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ, जिससे जो डेड मैटर का डीकंपोजिशन मिनरलाइजेशन के बाद जो भी रिलीज होगा, जो भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट रिलीज होगा वो दोबारा ऑटोट्रॉफ दोबारा यूज कर लेगा, सॉयल में वो चला जाएगा न्यूट्रिएंट और ऑटोट्रॉफ यानी कि प्लांट दोबारा उसका यूज कर लेगा। और ये इवेंट बार बार रिपीट होता है, ओवर एंड ओवर बार बार रिपीट होता रहता है। यहाँ पे एक चीज दिखाया गया है कि एनर्जी का जो मूवमेंट होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, किधर से किधर, लोअर ट्रैफिक मतलब T1 से T4 की तरफ, लोअर ट्रैफिक टू हायर ट्रैफिक लेवल, T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4। लेकिन जब ये मूवमेंट होता रहता है एनर्जी का, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है, तो उस समय एनर्जी जो एनर्जी होती है हीट के फॉर्म में लॉस और डिसिपिएट होती है, किसमें एनवायरमेंट में, कुछ ना कुछ तो एनर्जी लॉस और डिसिपिएट तो होती है। प्रोडक्टिविटी, तो यहाँ पे अगर कोई भी टाइप का इकोसिस्टम है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो चाहे एक्वेटिक इकोसिस्टम हो, अगर वो फंक्शनल और सस्टेन रहने के लिए उसको उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि उसको कांस्टेंट इनपुट हो सोलर एनर्जी का, कांस्टेंट इनपुट होता रहे सोलर एनर्जी का। प्राइमरी प्रोडक्शन क्या होता है, तो प्राइमरी प्रोडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे, अमाउंट ऑफ बायोमास या अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड, पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम पीरियड बाय प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कॉल्ड प्राइमरी प्रोडक्शन। इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इन टर्म ऑफ द, अगर वेट के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये हो गया वेट के टर्म, यहाँ वेट है, वेट के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे थे ग्राम पर मीटर, मीटर के पावर -2 एंड पर ईयर, क्योंकि ओवर टाइम भी लेना है ना। एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे किलो कैलोरी मीटर के पावर -2। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, तो रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, इसको एक्सप्रेस करेंगे कैसे, ये हो जाएगा जी मीन्स ग्राम मीटर पावर -2 ईयर इनवर्स, और एनर्जी के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो किलो कैलोरी मीटर के पावर -2 ईयर इनवर्स, क्योंकि जो हम प्रोडक्टिविटी कैसे बताते हैं, पर यूनिट एरिया ओवर ए टाइम, पर यूनिट एरिया मतलब ऑर्गेनिक मैटर या बायोमास पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम लेंगे, तो पर ये हो गया मास, ये पर यूनिट एरिया हो गया, पर यूनिट टाइम हो गया, ये हो गया एनर्जी, ये पर यूनिट एरिया हो गया, ये पर यूनिट टाइम हो गया, तो ऐसे हम एक्सप्रेस करते हैं प्रोडक्टिविटी को। अब प्रोडक्टिविटी को डिवाइडेड किया गया है, एक तो जीपीपी दूसरा एनपीपी, जीपीपी मतलब ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एनपीपी का मतलब नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है किसी भी इकोसिस्टम का, वो होता है उस इकोसिस्टम का ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ जीपीपी इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट इन रिस्पायरेशन, यानी कि अगर आप जीपीपी में से रिस्पायरेशन लॉस को माइनस कर दोगे तो जो बचेगा या जीपीपी माइनस आर जो बचेगा वो होगा एनपीपी, यानी कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन टू हेटरोट्रॉफ, मतलब हेटरोट्रॉफ के हेटरोट्रॉफ को हेटरोट्रॉफ जो कंज्यूम करता है, जो अवेलेबल बायोमास बचा हुआ है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब वो अवेलेबल बायोमास है जिसको कंज्यूम कौन करेगा, हेटरोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ मीन हर्बीवोर और डिकम्पोजर जिनको कंज्यूम करेंगे। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाई कंज्यूमर, कंज्यूमर के द्वारा जो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर का जो रेट होता है, मतलब कंज्यूमर के द्वारा न्यू ऑर्गेनिक मैटर के फॉर्मेशन के रेट को सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिफरेंट इकोसिस्टम में डिफरेंट होगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है प्लांट स्पीसीज किस हैबिटेट में रह रहा है, कि प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग पर्टिकुलर एरिया, किस पर्टिकुलर एरिया में रह रहा है, उसके बाद सेकंड की एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा वहां का है, वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर होता है तो एनवायरमेंटल फैक्टर कैसा है। तीसरा अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट पे भी डिपेंड करती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और प्लांट के फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी पर, तो ये चार फैक्टर एनसीईआरटी पे दिए हैं जिस पे प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, एक तो प्लांट स्पीसीज इनहैबिटिंग पर्टिकुलर एरिया, दूसरा वैरायटी ऑफ द एनवायरमेंटल फैक्टर आल्सो डिपेंड ऑन द वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर, अवेलेबिलिटी ऑफ द न्यूट्रिएंट और फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। तो इसकी वजह से डिफरेंट इकोसिस्टम में प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होती है, वेरी करती रहती है, डिफरेंट होती है। एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होल बायोस्फीयर की कितनी है, अप्रॉक्सिमेटली 170 बिलियन टन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है, अगर ड्राई वेट लें तो, ऑर्गेनिक मैटर का ड्राई वेट लें तो 170 बिलियन टन है, ये क्या है 70% ऑफ द सर्फेस। प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन की प्रोडक्टिविटी कितनी है, ओनली 55 बिलियन टन है।
प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो हो गई ये हो गई। लेकिन यहाँ पे जो 70 जो ओशियन की प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 55 बिलियन टन है, एक्चुअली में ओशियन जो है टोटल का टोटल अर्थ सरफेस का टोटल सरफेस का 70% ओशियन ही कवर करके रखा है, 70% भाग ओशियन से ढका हुआ है। इसके बावजूद भी इसकी प्रोडक्टिविटी सिर्फ कितनी है 55 बिलियन ही है, 55 बिलियन टन ही है। अब डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन यहाँ पे अर्थवर्म जो होता है ये इसको क्या रिफर करते हैं, एज ए फार्मर फ्रेंड की तरह इसको रिफर किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन द लूजनिंग ऑफ द सॉयल। ये सॉयल को लूज भी करता है, सॉयल को भुरभुरा बना देता है और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन भी करता है, इसीलिए अर्थवर्म को फार्मर फ्रेंड्स बोलते हैं। इसी की तरह इसी के सिमिलर डीकम्पोजर्स जो होते हैं, डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में लाइक कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन प्रोसेस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेक डाउन होता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट में। अब डेट्राइटस क्या होता है, डेट्राइटस में डेड प्लांट बॉडीज, जैसे कि डेड प्लांट मीन्स लीफ, बार्क, फ्लावर एंड डेड एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर, ये सब क्या होते हैं, सब डेट्राइटस होते हैं, ये सब डेट्राइटस होते हैं। और यही होता है क्या, डीकम्पोजिशन के लिए यही डेट्राइटस रॉ मटेरियल का काम करता है। इंपॉर्टेंट स्टेप जो होता है डीकम्पोजिशन का क्या क्या है, पहले फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसके डीकम्पोजिशन के। डेट्रीवोर्स, डेट्रीवोर्स जैसे अर्थवर्म जो है डेट्रीवोर्स से ये क्या करेगा, डेट्राइटस को ब्रेक डाउन करेगा स्मॉलर पार्टिकल्स में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन अच्छा लीचिंग प्रोसेस के, बाय द प्रोसेस ऑफ द लीचिंग, लीचिंग प्रोसेस में क्या होता है, वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन, सॉइल होराइजन में नीचे चले जाते हैं और फिर वहाँ पे क्या हो जाते हैं, अनअवेलेबल साल्ट पीपीटी के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। बैक्टीरिया और फंगल ये क्या है, ये डीकम्पोजर का काम करते हैं। बैक्टीरियल फंगल एंजाइम डिग्रेड करता है डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में डिग्रेड कर देता है, और इस स्टेप को बोलते हैं कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। और ये जो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म, ये जो स्टेप्स हैं डिकम्पोजिशन की, ये ऑपरेट होते हैं एक साथ कहाँ, डेट्राइटस पर। डिकम्पोजिशन की ये तीनों स्टेप, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म, ये ऑपरेट होते हैं साइमल्टेनियसली डेट्राइटस की, डेट्राइटस बॉडी पर। डेट्राइटस मीन्स डेड प्लांट, डेड एनिमल, डेड प्लांट, डेड एनिमल, मतलब डेड लिविंग मटेरियल कोई भी, डेड लिविंग बींग्स कोई भी हो, उनके ऊपर ये तीनों स्टेप होते हैं। ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन जो अकर्स होता है ड्यूरिंग द डिकम्पोजिशन, लेकिन ये सॉयल में होता है, ये कहाँ होता है, सॉयल में होता है। अब यहाँ पे जो ह्यूमिफिकेशन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, इसको बोलते हैं क्या, ह्यूमस हाइली रेजिस्टेंट होता है माइक्रोब्स, इस पर माइक्रोबियल एक्शन के लिए बहुत हाईली रेजिस्टेंस होता है, मतलब इस पर माइक्रोबियल एक्शन नहीं हो पाता है प्रॉपरली। तो इनका जो डिकम्पोजिशन होता है, ह्यूमस का जो डिकम्पोजिशन होता है एक्सट्रीमली स्लो रेट से होता है, और ह्यूमस कोलोइडल नेचर में कैसा होता है, कोलोइडल होता है, न्यूट्रिएंट इसके अंदर रिजर्व होते हैं। ह्यूमस का जो डिग्रेडेशन होता है, ह्यूमस डिग्रेडेड बाय द सब माइक्रोब्स एंड रिलीज करता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ह्यूमस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का रिलीज होना, और रिलीज होता है कैसे, जब इसका कुछ सब माइक्रोब्स आके इसको डिग्रेड करते हैं ह्यूमस को, अलग बात है कि इसको स्लो रेट से डिग्रेड करेंगे, लेकिन इस स्टेप को बोलते हैं मिनरलाइजेशन, मतलब ह्यूमस से इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का रिलीज होना, कैसे, जब इसको माइक्रोब डिग्रेड करेंगे तब, तो इस स्टेप को मिनरलाइजेशन बोल देंगे। डीकम्पोजिशन लार्जली ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस होती है, अगर पूछा जाए डीकम्पोजिशन एरोबिक है इनएरोबिक, तो आप बोलोगे कि एरोबिक है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन रिक्वायरिंग, इसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। रेट ऑफ डीकम्पोजिशन जो होता है, रेट ऑफ डीकम्पोजिशन कंट्रोल होता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस से और क्लाइमेटिक फैक्टर से। डेट्राइटस का केमिकल कंपोजिशन कैसा है, मतलब डेट्राइटस लिग्निन काइटिन रिच है कि नाइट्रोजन और शुगर रिच है, इसकी इस पर डिपेंड करेगा, और क्लाइमेटिक फैक्टर पर डिपेंड करेगा कि डीकम्पोजिशन फास्टर होना है कि स्लोअर होना है। इन पर्टिकुलर क्लाइमेटिक डिकम्पोजिशन रेट स्लोअर होगा अगर डेट्राइटस लिग्निन और काइटिन रिच होगा। डेट्राइटस का जो केमिकल कंपोजिशन है, अगर उसमें लिग्निन और काइटिन ज्यादा है तो उसका डिकम्पोजिशन रेट स्लो होगा। अगर डेट्राइटस में नाइट्रोजन और शुगर है, नाइट्रोजन और शुगर रिच है, तो वो क्विकर होगा, उसमें डिकम्पोजिशन क्या होगा, ऐसे डेट्राइटस का क्विकर यानी कि फास्टर रेट से होगा। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर है जो रेगुलेट करते हैं डिकम्पोजिशन के रेट को एंड देयर इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द सॉइल माइक्रोब्स। अगर वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट है तो ये डिकम्पोजिशन को फेवर करेगा, मतलब डिकम्पोजिशन यहाँ पे फास्टर रेट से होगा। अगर लो टेम्परेचर है और एन एरोबोसिस है, मतलब ऑक्सीजन कम है, तो ये डिकम्पोजिशन को इनहिबिट करेगा, इनहिबिट डिकम्पोजिशन, जिससे रिजल्ट क्या होगा, बिल्ड अप ऑर्गेनिक मटेरियल बिल्ड अप हो जाएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक डाउन करने के लिए डिकम्पोजर है ही नहीं, तो ऑर्गेनिक मटेरियल क्या हो जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा और ये उसका पूरा एक बिल्ड, मतलब एक बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया गया है किसका, डीकम्पोजिशन साइकिल का, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो डीकम्पोजिशन की साइकिल है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे ये प्लांट है, लिविंग बींग है। अब यहाँ ये जो प्लांट है, जो ट्री है,
सॉइल में ग्रो कर रखी है, इसकी एक लीफ क्या हो गई, ये डेड कर गई, मतलब ग्राउंड पे क्या हो गई, फॉल ऑफ हो गई। तब इसको क्या करेंगे, इस लीफ को या तो इंसेक्ट और कुछ अदर एनिमल क्या करेंगे, खाएंगे। यहाँ पे क्या हो गया, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, यानी कि लीफ से कहाँ गया, एनिमल और इंसेक्ट में। ये लीफ क्या हो गई, डेड कर गई। जो डेड करने के बाद इसको कौन डिग्रेड कर रहा है, या डेट्राइटस बन गई, इसको डिग्रेड कर रहा है माइक्रोब्स। माइक्रोब जब इसको डिग्रेड करेगा, यानी कि इसका जब डिकम्पोजिशन होगा, इसमें लीचिंग प्रोसेस हमने देखा था, लीचिंग में क्या होता है, न्यूट्रिएंट जो होता था इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट, और सॉइल हरियन में क्या हो जाता था, पीपीटी के फॉर्म में नीचे बैठ जाता था। तो सॉइल हरियन में चला गया, सॉइल में चला गया न्यूट्रिएंट, यानी कि ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है। और इधर क्या हो रहा है कि ये जो डिकम्पोजिशन के दौरान जो अर्थवर्म बैक्टीरिया और फंजाइस का डिकम्पोजिशन कर रहे थे, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मटेरियल भी उससे रिलीज हुआ था, और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक बना था। तो ये जो सॉइल था, सॉइल में इधर से इनऑर्गेनिक आया और इधर से ऑर्गेनिक आया, तो सॉइल में क्या हो गया, ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो गई। अभी इस जो ऑर्गेनिक रिच सॉइल है ये, और इसमें इनऑर्गेनिक आयन भी है, इनऑर्गेनिक मिनरल्स भी हैं, तो ये सॉइल्स में जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, इसका यूज दोबारा प्लांट कर लेगा। फिर प्लांट के जो पार्ट है वो डेड करेंगे, दोबारा ये साइकिल बार बार ऐसे ऐसे क्या करती रहेगी, बार बार रन करेगी। एनर्जी फ्लो, तो स्वाभाविक सी बात है, जो एनर्जी का फ्लो होता है, यूरोडक्शन होता है, तो एनर्जी एनर्जी जो यहाँ पे दे रखा है कि अर्थ पर जितने भी इकोसिस्टम है, ऑल इकोसिस्टम ऑन द अर्थ, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है ओनली सन है, सन ही ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी है, अगर डीप सी हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम को छोड़ दें, तब ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन लेस देन द 50% ऑफ इट्स फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन पार। हमको पता है कि प्लांट और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये फूड को प्रिपेयर करते हैं किससे, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल से, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्लांट जो होता है, प्लांट कैप्चर करता है 2 से 10% ऑफ द पार, पार का सिर्फ 2 से 10% ही प्लांट कैप्चर करता है। दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन द इंटायर लिविंग वर्ल्ड, और यही स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है पूरे इंटायर लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करके रखी हुई है। ऑल ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर द फूड ऑन प्रोड्यूसर, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के सभी प्रोड्यूसर पर डिपेंड रहते हैं, फूड के लिए प्रोड्यूसर पर डिपेंड होते हैं, चाहे फिर वो डायरेक्टली डिपेंड हो चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड हो। एनर्जी का जो फ्लो होता है यूनिडायरेक्शनल होता है, पहले सन से एनर्जी गई प्रोड्यूसर के पास, प्रोड्यूसर से गई कंज्यूमर के पास, अब कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या टर्शियरी कंज्यूमर हो। ग्रीन इकोसिस्टम में जो ग्रीन प्लांट होता है उसको बोलते हैं प्रोड्यूसर। अब यहाँ पे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर प्रोड्यूसर होते हैं उसको देखते हैं, और जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मेजर प्रोड्यूसर होते हैं उसको देखते हैं। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो मेजर प्रोड्यूसर है वो हर्बेसियस एंड उडी प्लांट्स होते हैं, हर्बेसियस एंड उडी प्लांट्स होते हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो मेजर प्रोड्यूसर होते हैं वो फाइटोप्लैंक्टन, एल्गी एंड हायर प्लांट्स होते हैं। यहाँ पे फूड चेन एंड फूड वेब की बात की गई है, तो फूड चेन फूड वेब जो है नेचर में एग्जिस्ट करता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द प्लांट, प्लांट मीन्स प्रोड्यूसर। फूड चेन आर फूड वेब आर फॉर्म्ड सच दैट एनिमल फीड ऑन द प्लांट और अनदर एनिमल एंड इन टर्न इज फूड फॉर अनदर। चेन फूड चेन और फूड फॉर्म बिकॉज ऑफ दिस इंटर डिपेंडेंसी। कोई भी ऑर्गेनिज्म एनर्जी को ट्रैप करके नहीं रख सकता है, नो एनर्जी दैट इज ट्रैप इन टू एन ऑर्गेनिज्म रिमेन इन इट फॉर एवर। एनर्जी ट्रैप बाय द प्रोड्यूसर, एनर्जी जो प्रोड्यूसर द्वारा ट्रैप की गई है, या तो वो पास कर दी जाएगी नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक लेवल पे, मतलब कंज्यूमर को पास कर दी जाएगी। अगर नहीं पास की जाएगी कंज्यूमर, तो ऑर्गेनिज्म क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा, यानी कि मर जाएगा। डेथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज द बिगनिंग ऑफ द डेट्राइटस फूड चेन। अगर ऑर्गेनिज्म डेड कर गया तो फिर वहां से डेट्राइटस फूड चेन स्टार्ट हो जाएगी। ऑल एनिमल, जितने भी एनिमल हैं वो अपनी फूड की पूर्ति के लिए प्लांट पर या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं, तो इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, क्योंकि फूड की जरूरत को पूरी करने के लिए जितने भी एनिमल हैं वो प्लांट पर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्या है, डिपेंड है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि कंज्यूम कर रहे हैं तो एनिमल क्या हो गया, कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर, या इसी को बोलते हैं हेटरोट्रॉफ। इफ दे फीड ऑन द प्रोड्यूसर, अगर ये जो कंज्यूमर हैं, अगर ये फीड कर रहे हैं प्रोड्यूसर पर, मतलब प्लांट को अगर खा रहे हैं, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर कहलाएंगे। अगर एनिमल ईट कर रहा है अदर एनिमल को और वो एनिमल प्लांट को ईट कर रहा है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी कंज्यूमर। मतलब कि प्रोड्यूसर को किसने खाया, प्रोड्यूसर को खाया प्राइमरी कंज्यूमर ने, मतलब प्लांट, यानी कि प्रोड्यूसर को खाया किसने, प्राइमरी कंज्यूमर को खाया किसने सेकेंडरी कंज्यूमर ने। अब सेकेंडरी कंज्यूमर लाइकवाइज यू कुड, अब एक टर्शियरी कंज्यूमर आ गया, अब जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाएगा वो टर्शियरी कंज्यूमर होगा। ऑब्वियसली प्राइमरी कंज्यूमर को हम हर्बीवर बोलेंगे, क्यों, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर किसको खा रहा है, प्राइमरी कंज्यूमर फीड कर रहा है प्रोड्यूसर पे, अब प्रोड्यूसर मतलब प्लांट को, तो इसलिए प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवर्स बोला जा रहा है। कॉमन हर्बीवर जो है कौन कौन से हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, इंसेक्ट बर्ड एंड मैमल जो है ये कॉमन हर्बीवर हो गए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। और एक्वाटिक इकोसिस्टम के जो हर्बीवर है वो मोलस्क्स हैं। कंज्यूमर दैट फीड ऑन दीज हर्बीवोर्स आर कार्निवोर्स होते हैं, मोर करेक्टली बोले तो प्राइमरी कार्निवोर हैं, या सेकेंडरी कंज्यूमर भी इसको बोलेंगे। दोज एनिमल दैट डिपेंड ऑन द प्राइमरी कार्निवोर फॉर फूड, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी कार्निवोर। यहाँ पे जीएफसी को दिखाया गया, सिंपल ग्रेजिंग फूड चेन को दिखाया गया है। तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या हो रहा है कि यहाँ ग्रास है, ग्रास जो कि यहाँ पे प्रोड्यूसर है। ग्रास को किसने फीड किया, गोट ने, गोट यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर हो गई। अब गोट को खाया, अब मैन ने, आदमी ने, तो आदमी यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। तो ये T1 फर्स्ट ट्रैफिक लेवल है, सेकंड ट्रैफिक लेवल, थर्ड ट्रैफिक लेवल हो गया। डेट्राइटस फूड चेन DFC बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। DFC कहाँ से शुरू, DFC शुरुआत डेड ऑर्गेनिक मैटर से होगी। इट इज मेड अप ऑफ द डिकम्पोजर्स जो कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनली फंजाई एंड बैक्टीरिया। आप ये बोल लीजिए DFC कहाँ से स्टार्ट हुई, डेड ऑर्गेनिक मैटर से। डेड ऑर्गेनिक मैटर किसे बना, ये डिकम्पोजर्स को हम विचार हेटरोट्रॉफिक जो कि हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनली कौन से होते हैं, फंजाई एंड बैक्टीरिया। अच्छा,
इसको एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट कहाँ से, एनर्जी एंड रिक्वायरमेंट बाय द एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट, एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट रिक्रूटमेंट बाय द डिग्रेडिंग डेड ऑर्गेनिक मैटर आर डेट्राइटस, दीज आर नोन एज द सेपरेट, इसलिए इसको सेपरेट ड्रॉप बोलते हैं। डीकम्पोजिशन सीक्रेट करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम, जिससे क्या होगा ब्रेकडाउन होगा किसका, डेड एंड वेस्ट मटेरियल का ब्रेकडाउन होगा, किसमें सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में। एक्वाटिक इकोसिस्टम में मेजर कंडक्टर, मेजर कंड्यूट फॉर एनर्जी फ्लो के लिए कौन होता है, जीएफसी होता है, ग्रेजिंग फूड चेन होता है। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लो किसके थ्रू होता है, डीएफसी के थ्रू होता है, देन जीएफसी के थ्रू होता है। मतलब अगर पूछे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो होता है किसके थ्रू होता है, डीएफसी के थ्रू होता है। लेकिन अगर पूछे एक्वाटिक इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो किसके थ्रू होता है, तो जीएफसी के थ्रू होता है। डेट्राइटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट द सम लेवल, सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म ऑफ द डीएफसी आर प्रे टू जीएफसी एनिमल। यहाँ पे काकरोच और क्रो क्या है, काकरोच और क्रो जो नेचुरल इकोसिस्टम में जो कुछ एनिमल है, काकरोच और क्रो ये ओमनीवोरस होते हैं, ओमनीवोरस होते हैं। फूड वेव कैसे बनता है, फूड चेन के नेचुरल इंटरकनेक्शन से बनता है फूड वेव। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ द न्यूट्रिशन ऑफ द फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्यूपाई ए स्पेसिफिक प्लेस इन द फूड चेन, इसी को बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक लेवल में तीन यहाँ पे दिखाया, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल एंड द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे हर्बीवोर यानी कि प्राइमरी, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन आएगा, प्रोड्यूसर्स आएंगे, प्रोड्यूसर बिलोंग करेंगे फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल से। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे हर्बीवोरस या प्राइमरी कंज्यूमर्स आएंगे, और थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे क्या आएंगे, कार्निवोर्स या सेकेंडरी कंज्यूमर्स आएंगे। तो यहाँ पे ट्रॉफिक लेवल और उसका एग्जाम्पल दे रखा है, एक इकोसिस्टम में जो ट्रैफिक लेवल को दिखाया गया है। यहाँ पे फर्स्ट ट्रैफिक लेवल पे कौन आएगा, फर्स्ट ट्रैफिक लेवल पे प्लांट्स आ रहा है जो कि प्रोड्यूसर का काम करेगा, फर्स्ट ट्रैफिक लेवल पे प्लांट प्रोड्यूसर हो गया। सेकंड ट्रैफिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर आएंगे, थर्ड ट्रैफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर आएंगे, और फोर्थ ट्रैफिक लेवल पे टर्शियरी कंज्यूमर आएंगे। फिर से अगेन, फर्स्ट ट्रैफिक लेवल पे प्रोड्यूसर, सेकंड ट्रैफिक लेवल पे प्राइमरी कंज्यूमर, थर्ड ट्रैफिक लेवल पे सेकेंडरी कंज्यूमर, और फोर्थ ट्रैफिक लेवल पे टर्शियरी कंज्यूमर। तो प्रोड्यूसर जो है मोस्टली प्लांट होते हैं, जैसे कि एक्वाटिक में फाइटोप्लैंक्टन होता है, टेरेस्ट्रियल में ग्रास और ट्री होगा। और प्राइमरी कंज्यूमर में क्या आएगा, हर्बीवोर्स आएंगे, हर्बीवोर्स आएंगे। अगर एक्वाटिक सिस्टम में बात करें तो जूप्लैंक्टन आएंगे, जूप्लैंक्टन आएंगे, और टेरेस्ट्रियल में क्या आएगा, ग्रास ओवर एंड काऊ आएगा। सेकेंडरी कंज्यूमर में या थर्ड ट्रैफिक लेवल पे कार्निवोर्स आएंगे, कार्निवोर्स इसमें बर्ड फिश और वोल्फ आएगा। और टॉप कंज्यूमर है टर्शियरी कंज्यूमर जो है, इसमें कौन सा आएगा, टॉप कार्निवोर आएगा, जिसमें मैन एंड लायन आ जाएगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट ए सक्सेसिव ट्रैफिक लेवल, जैसे जैसे हम ट्रैफिक लेवल पे T1 से T2, T2, T3, T3, T3 से T4 जाएंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होता चला जाएगा, डिक्रीज होता चला जाएगा। अगर ऑर्गेनिज्म डाई कर गया, मर गया, तो क्या होगा, कन्वर्ट हो जाएगा वो डेट्राइटस या डेड बायोमास में, और ये डेट्राइटस या डेड बायोमास डीकम्पोजर के लिए एनर्जी सोर्स का काम करेंगे। ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रैफिक लेवल डिपेंड ऑन दोज एट द लोअर ट्रैफिक लेवल फॉर द एनर्जी डिमांड, एनर्जी डिमांड के लिए जो होता है, हर एक ट्रैफिक लेवल अपने लोअर ट्रैफिक लेवल पर डिपेंड करता है एनर्जी के लिए। ईच ट्रैफिक लेवल के पास सर्टेन मास, लिविंग मटेरियल का सर्टेन मास होता है, और ये पर्टिकुलर टाइम पे, फिर से, ईच ट्रैफिक लेवल हैज अ सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल एट ए पर्टिकुलर टाइम कॉल्ड स्टैंडिंग क्रॉप। ध्यान से फिर से सुनिए, हर एक ट्रैफिक लेवल के पास, हर एक ट्रैफिक लेवल का अपना एक सर्टेन मास होता है, सर्टेन मास होता है लिविंग मटेरियल का एक पर्टिकुलर टाइम पर। उस सर्टेन बायो, उस सर्टेन मास ऑफ लिविंग मटेरियल को बोलते हैं स्टैंडिंग क्रॉप। स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर करते हैं किस किस फॉर्म में, स्टैंडिंग क्रॉप को मेजर करते हैं एज ए बायोमास, बायोमास मतलब मास ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या नंबर इन ए यूनिट एरिया। बायोमास ऑफ स्पीसीज एक्सप्रेस करते स्पेस इन द टर्म ऑफ फ्रेश वेट या ड्राई वेट, दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, दो टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या बायोमास ऑफ स्पीसीज का बायोमास, या तो फ्रेश वेट में एक्सप्रेस करेंगे या तो ड्राई वेट में। लेकिन मोर एक्यूरेट अगर हम बायोमास का मेजर करना चाहते हैं, तो हम उसका ड्राई वेट मेजर करेंगे, ड्राई वेट उसका मोर एक्यूरेट मेजर कर लेता है। बायोमास का मोर एक्यूरेट मेजरमेंट कब होगा, जब हम उसका ड्राई वेट मेजर करेंगे तब। नंबर ऑफ ट्रैफिक लेवल इन द ग्रेजिंग फूड चेन इज रिस्ट्रिक्टेड एज द ट्रांसफर ऑफ द एनर्जी, जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है इस ट्रैफिक लेवल पे वो 10% लॉ के अकॉर्डिंग होता है। ओनली 10% ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इस ट्रैफिक लेवल, ईस्ट ट्रैफिक लेवल फ्रॉम द लोअर ट्रैफिक लेवल। इन नेचर इट इज पॉसिबल टू हैव सो मेनी लेवल, प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, प्राइमरी कार्निवोर, सेकेंडरी कार्निवोर इन द जीएफसी। तो ऐसे 10% एनर्जी, 10% लामी है कि 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है लोअर ट्रैफिक लेवल से हायर ट्रैफिक लेवल में। इस फिगर में एनर्जी फ्लो दिखाया गया, एनर्जी फ्लो को शो किया गया है। यहाँ सन जो कि मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, सन से एनर्जी रिलीज हुई, इसको प्लांट ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया, मतलब प्रोड्यूसर ने इसको लिया, फिर प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर हुई, कहाँ पे गई, प्रोड्यूसर से एनर्जी ट्रांसफर होकर गई हर्बीवोर पे, सेकंड ट्रैफिक लेवल यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर पे गई, हर्बीवोर पे जो प्लांट प्लांट फीडिंग एनिमल है, फिर नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल पे गई यानी कि बर्ड, फिर ये क्या है टॉप कार्निवोर है। तो ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है लोअर ट्रैफिक से हायर ट्रैफिक लेवल, लोअर ट्रैफिक लेवल से हायर ट्रैफिक लेवल पे। एनर्जी का ट्रांसफर किस लॉ से, 10% लॉ से हो रहा है, मतलब 10% एनर्जी ट्रांसफर हुई, 90% एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में डिसिपिएट हो जा रही है, जो हीट के फॉर्म में डिसिपिएट हो जा रही है। तो ये हो गया एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है, यूनिट एक्शन हो रहा है। तो एनर्जी का फ्लो जो होता है स्टार्ट लेवल पे यूनिट एक्शन होता है। इकोलॉजिकल पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इकोलॉजिकल पैरामीटर एट ए डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम, उसको बोलते हैं पिरामिड्स। तो यहाँ पे जो सेपा पिरामिड में दिखा, बेस ऑफ पिरामिड मोस्टली क्या होता है, ब्रॉड होता है, एंड जो एपेक्स होता है, टू एपेक्स की तरफ क्या होता है, ये नैरो होता है। तो ये इसका एपेक्स जो है, ये एपेक्स जो है नैरो है, और जो इसका बेस है वो क्या, ये ब्रॉड है।
ऑन द गेट वन गेट से सिमिलर सेफ वेदर यू एक्सप्रेस द फूड और एनर्जी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एट ए डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल रिलेशनशिप एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ द नंबर बायोमास एंड एनर्जी. जो रिलेशनशिप हम देखेंगे डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल के बिटवीन उसको हम किस टर्म में देखेंगे, नंबर बायोमास एनर्जी के टर्म में देखेंगे. तो बेस ऑफ ईच पिरामिड जो जो भी पिरामिड रहेगा उसका जो बेस है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको, प्रोड्यूसर को या फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट करेगा. और जो एपेक्स होता है पिरामिड का वो रिप्रेजेंट करता है टर्सरी या टॉप लेवल के कंज्यूमर को रिप्रेजेंट करेगा. यहाँ इकोलॉजिकल पिरामिड थ्री टाइप के यहाँ हमें स्टडी करनी है. तो पिरामिड ऑफ नंबर देखना है, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी देखनी है. इन तीनों में से पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है, ऑलवेज अपराइट होता है. गिवन ऑर्गेनिज्म में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रैफिक लेवल साइमल्टेनियसली. यहाँ पे कोई भी अगर ऑर्गेनिज्म है वो एक से अधिक ट्रैफिक लेवल पे ऑक्यूपाई हो सकता है. यहाँ पे ट्रैफिक लेवल रिप्रेजेंट है फंक्शनल लेवल, ना कि स्पीसीज को रिप्रेजेंट करता है. ट्रैफिक लेवल फंक्शनल लेवल को रिप्रेजेंट करता है, स्पीसीज को रिप्रेजेंट नहीं करता है. यहाँ पे एग्जाम्पल एक है जिससे ये समझ में आ जाएगा कि सेम इकोसिस्टम पे ये एक स्पीसीज मोर देन वन ट्रैफिक लेवल पे ऑक्यूपाई करती है. यहाँ गिवन स्पीसीज में ऑक्यूपाई मोर देन वन ट्रैफिक लेवल इन सेम इकोसिस्टम एट द सेम टाइम. एग्जांपल में हम स्पैरो लेते हैं. स्पैरो जो बर्ड होती है अगर वो सीड फ्रूट और पी को खा रही है, सीड फ्रूट और पी को खा रही है, पी मतलब मटर को खा रही है, तो क्या है प्राइमरी कंज्यूमर है, वो इस इकोसिस्टम में प्राइमरी कंज्यूमर है. लेकिन अगर इंसेक्ट और वार्म को खा रही है तो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसी इकोसिस्टम में. तो मोस्ट ऑफ द नेक्स्ट है कि मोस्ट इकोसिस्टम में ऑल द पिरामिड, पिरामिड ऑफ नंबर एंड पिरामिड ऑफ एनर्जी एंड पिरामिड ऑफ बायोमास मोस्टली क्या होते हैं, अपराइट होते हैं. अपराइट का मतलब जो प्रोड्यूसर होता है वो मोर इन नंबर में होता है या उसका बायोमास ज्यादा होता है, देन हर्बीवोर का होता है. हर्बीवोर मोर इन नंबर और मोर बायोमास होता है कार्निवोर के कंपेयर में. तो ये अपराइट का ये इस टाइप का पिरामिड जो होता है अपराइट होता है. एनर्जी जो लोअर ट्रैफिक लेवल की एनर्जी होती है हमेशा हायर होती है, ज्यादा होती है किसी हायर ट्रैफिक लेवल के कंपेयर में. एनर्जी एट लोअर ट्रैफिक लेवल ऑलवेज मोर होती है देन द हायर ट्रैफिक लेवल, देन हायर ट्रैफिक लेवल की होती है. पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी जनरली इन्वर्टेड होता है क्योंकि इसमें बायोमास ऑफ द फिश जो है एक्सीड कर जाती है फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास से. यानी कि फाइटोप्लैंक्टन के बायोमास से जो फिश का बायोमास है वो ज़्यादा हो जाता है. तो सो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी अपराइट ना होकर इन्वर्टेड होती है, ये ध्यान रखना है. पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होती है, ऑलवेज अपराइट होती है, कभी भी इन्वर्टेड नहीं होती है. और एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल होता है किधर से किधर, फ्रॉम पर्टिकुलर ट्रैफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रैफिक, मतलब लोअर ट्रैफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रैफिक लेवल. और कुछ किस 10% है जो 10% ट्रांसफर, 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है उस ला के अकॉर्डिंग. और कुछ एनर्जी लॉस भी होती है एज ए हीट के फॉर्म में डिसिपिएट भी हो जाती है. और कुछ लिमिटेशन है इकोलॉजिकल पिरामिड के, कुछ लिमिटेशन है, वो लिमिटेशन देख लेते हैं क्या क्या लिमिटेशन है. एक तो ये है कि डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द सेम स्पीसीज बिलोंगिंग टू टू आर मोर ट्रैफिक लेवल, एक लिमिटेशन पहला. दूसरा इट एज्यूम ए सिंपल फूड चेन, सिंपल फूड चेन को एज्यूम करके जो होता है पिरामिड है समथिंग दैट ऑलमोस्ट नेवर एग्जिस्ट इन नेचर, इट डज नॉट एकोमोडेट ए फूड वेव. मोर ओवर सेप्रोफाइट नॉट गिवन एनी प्लेस इन इकोलॉजिकल पिरामिड. सेप्रोफाइट को इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई भी प्लेस नहीं दिया गया है, बल्कि जबकि सेप्रोफाइट का इकोसिस्टम में वाइटल रोल है. ये वाइटल रोल है, सेप्रोफाइट वाइटल रोल प्ले करते हैं अपना, तब भी इनको इकोलॉजिकल पिरामिड में कोई भी स्थान नहीं दिया गया है. तो ये तो हो गया इकोसिस्टम.